एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक बनियाखेड़ा में स्थित मोहम्मद सादिकपुर पड़ा। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से 10 किलोमीटर दूर स्थित लगभग 10,000 की आबादी वाला यह गांव सरकार के अनदेखे के कारण विकास कार्यों में पिछड़ा हुआ है। लगभग 3,000 वोटर वाला यह गाँव प्रधान के प्रयासों से विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा की जाए तो गाँव के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 250 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं बात अगर पेयजल व्यवस्था की जाए तो 30 हैंडपंप ग्राम प्रधान द्वारा गांव में लगवाए गए हैं। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, चक रोड, आवासीय कॉलोनी व शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है। एवं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में शमशान घाट, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय तथा खेल के मैदान के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानपति ग्राम मोहम्मद सादिकपुर विकासखंड बनियाखेड़ा तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद। मैंने गांव में सीसी टाइल्स की सड़कें पड़वाई हैं, खड़ंजे पड़वाए हैं, आवासों का निर्माण कराया है और शौचालय का निर्माण जो है अभी एक दो दिन में शुरू होने वाला है। मेरे यहां पर काफ़ी तरह की समस्याएं भी हैं। समस्या ये है कि मेरे गाँव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, प्राइमरी स्कूल की जर्जर व्यवस्था है, जूनियर स्कूल भी ठीक तरीके से कंडीशन में नहीं है, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण नहीं हुआ है, पशुओं के लिए चिकित्सा के बारे में कोई सेवा की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है और सफाई जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ा गांव होने के बाद में गाँव में केवल एक ही सफाई कर्मचारी नियुक्त है, जबकि यहाँ पर कई सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है। यहाँ पे और भी कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि गांव की पानी की निकासी की व्यवस्था जो है वो बढ़िया तरीके से नहीं है, उसके लिए भी हमें धन की आवश्यकता है जिससे कि मैं यहाँ की पानी की निकासी की व्यवस्था बढ़िया तरीके से करा सकूं। गांव में मैंने लाइट की व्यवस्था की है, सोलर लाइटें लगवाई हैं, खंभे पे बिजली की भी लाइटें लगवाई हैं जिससे कि गाँव के लिए बेहतर उजाला हो सके, बेहतर रात में आदमी को परेशानी की समस्या ना हो, उजाला हो, ठीक तरीके से आदमी देखभाल करके निकल सके। और मुझे काफ़ी तरीके से अगर सरकार मेरे लिए और धन गांव के लिए अर्जित करती है तो मैं और तरीके के कई तरीके के विकास ऐसे हैं कि जो रुके हुए पड़े हैं और मैं पैसा आने के बाद वो विकास कराऊंगा। शौचालय का मेरे यहाँ निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन अभी केवल 25 शौचालय, इतने बड़े गाँव के लिए केवल 25 शौचालय दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर शौचालय की स्ट्रेंथ जो है वो लगभग 500 है।